अब देखिए, आपने जो छोटे उ की मात्रा सीखी उसी से संबंधित ये चैप्टर है आपका, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चुलबुली झुमरी, ठीक है। देखिए, चुलबुली में च में उ की मात्रा और ब में उ की मात्रा है, झुमरी में ज में उ की मात्रा है ना। चुलबुली मतलब क्या होता है? जो बहुत नॉटी होता है, जो शैतानी करता है, मतलब अच्छे वाले शैतानी, गंदे वाले शैतानी नहीं, उसे कहते हैं हम चुलबुला बच्चा है, एक्टिव बच्चा है, ठीक है ना। झुमरी, झुमरी इसमें एक लड़की का नाम है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। झुमरी की नई नई शादी हुई थी, ठीक है। झुमरी, देखिए आपको बगल में एक लड़की दिखाई दे रही है ना, वो कौन है? झुमरी। तो झुमरी की नई नई शादी हुई थी, ठीक है। झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी। जो झुमरी जो दुल्हन थी, बोला वो बड़ी चुलबुली थी, ठीक है, नॉटी टाइप की मतलब, ठीक है। वह बहुत साफ़ सुथरी रहती थी। साफ़ सुथरी मतलब एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहती थी, बोला। सुबह उठकर दातुन करती थी। दातुन मतलब क्या होता है? टूथब्रश करना, ठीक है। अब देखिए, पहले ज़माने में तो टूथब्रश होते नहीं थे, है ना। तो लोग क्या करते थे, जैसे नीम का लकड़ी है ना, उससे अपने दांतों को साफ़ करते थे। तो उसे हम कहते हैं दातुन। किसी लकड़ी से या नीम की लकड़ी से अपने दांतों को साफ़ करना, वो दातुन हो गया, ठीक है। तो सुबह उठ के वो क्या करती थी? दातुन, अपने दांतों को साफ़ करती थी। साबुन मल मल कर नहाती थी, और साबुन को अपने पूरी बॉडी में मल मल कर, मतलब पूरी रगड़ रगड़ कर नहाती थी। फिर साफ़ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी भी, और उसके बाद क्या करती वो? एकदम साफ़ सुथरा, नीट क्लीन कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी, गुलाबी मतलब पिंक कलर, ठीक है ना। फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, उसके बाद क्या करती वो? टीका लगाती थी, मतलब माथे पे बिंदी पहनती थी, और झुमका, ठीक है, झुमका मतलब कान में जो पहनते हैं। पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी, और फिर पायल पहनती पैरों में, और इतराती मतलब यहाँ वहाँ घूमती रहती कि देखो मैं कितनी साफ़ सुथरी हूँ, मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना। तो इतराना होता है अपने आप पे, थोड़ा सा प्राउड करना। बुधवार का दिन था। कौन सा दिन था? बुधवार। बुधवार मतलब होता है वेनेसडे, ठीक है। मुनिया की शादी थी। शादी किसकी थी? मुनिया। झुमरी बन ठन कर शादी पर आई। तो झुमरी भी बिल्कुल तैयार होकर, बन ठन का मतलब एकदम अच्छे से प्रॉपर रेडी होकर शादी में आई। वह उपहार भी लाई थी। उपहार मतलब गिफ्ट, ठीक है ना। वो उसके लिए क्या लेके आई? एक गिफ्ट, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। एक क्या लेके आई? एक गुड़िया लेके आई डॉल, और कढ़ाई वाला कुर्ता मतलब एम्ब्रॉयडरी वाला शर्ट, ठीक है ना। ऊपर का जो कुर्ता लेडी लड़कियाँ पहनती हैं ना सलवार कमीज़ में, उसे कहते हैं हम कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बहुत खुश हुई। तो उपहार पाकर जो मुनिया थी वो बहुत खुश हुई, ठीक है। गर्मी बहुत थी। अब क्योंकि शादी गर्मी के मौसम में हुई होगी, तो गर्मी बहुत हो रही थी, बोला है। झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। तो झुमरी को बहुत प्यास लगी, तो वो सुराही, ठीक है। सुराही का क्या, सुराही मतलब एक प्रकार का घड़ा होता है, जिसकी लंबी सी क्या होती है, गर्दन टाइप की होती है, ऊपर से लंबा उसका वो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम सुराही। तो उसने सुराही से का पूरा पानी वो पी गई, क्योंकि बहुत उसको प्यास लग रही थी, गर्मी का मौसम था। वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई। पानी तो पिया ही पिया, उसके अलावा उसने 3 गिलास क्या पिया? गुलाब मतलब रोज़ का शरबत जूस। फिर भी गर्मी लग रही थी उसको, तब भी गर्मी लग रही थी। झुमरी न रुक सकी। झुमरी और न रुक सकी, मतलब उसको और अपने आप पे, मतलब उसको इतनी गर्मी लग रही थी कि उसको लग रहा था मैं यहाँ से चले जाऊँ, निकल जाऊँ इस शादी से। तो वो अपने आप को और रोक ना पाई। अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई, और अपना उसने सुनहरा, सुनहरा मतलब गोल्ड कलर का, गोल्डन कलर का बटुआ मतलब पर्स उठाया और अपने घर आ गई, ठीक है। अब देखिए, इस कहानी में बहुत जगह ऊ की मात्रा यूज़ हुई है, ना। झुमरी में, ऊपर देखेंगे तो दुल्हन, चुलबुली, सुथरी, सुबह, दातून, है ना। तो इन सब में, है ना, आप ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऊ की मात्रा यूज़ हुई है, ठीक है। आप दोबारा से चैप्टर को रीड करेंगे और ध्यान देंगे कि ऊ की मात्रा कहाँ यूज़ हुई है, वो कहाँ लगी है, और उसका निशान या चिन्ह कैसा है करके, ठीक है।